हेलो एवरीवन, हम अपने सब्सक्राइबर के लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन गिव अवे। आपको स्क्रीन पर जो हेयर स्ट्रेटनर दिखाया जा रहा है वो हम आपको सेंड करेंगे अगर आप बन जाते हैं लकी सब्सक्राइबर। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो ये हेयर स्ट्रेटनर आपका हो सकता है। ज़्यादा जानने के लिए ये वीडियो देखते रहें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये हेयर स्ट्रेटनर जीतने के लिए आपको क्या करना होगा। तो आज हम बात करेंगे कि आप अपने सफ़ेद होते बालों को काला नेचुरली तरीके से कैसे कर सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि कम उम्र के लड़के लड़कियां भी सफ़ेद बालों के शिकार हो रहे हैं। इसके कई सारे रीजंस होते हैं, जैसे हमारे ख़राब लाइफ स्टाइल, हेरिडिटी, स्ट्रेस और भी बहुत ज़्यादा रीजंस होते हैं बाल सफ़ेद होने के। लेकिन अगर आपके बाल कम उम्र में सफ़ेद हो रहे हैं जिसकी वजह से आपकी उम्र ज़्यादा हो लग रही है और आपका लोग मजाक उड़ा रहे हैं, तो आप इन नेचुरल रेमेडीज़ को ट्राई कर सकते हैं और अपने बाल को काला कर सकते हैं। एक बात ये भी है कि आप ये सोच सकते हैं कि आप अपने बालों को कलर करा लें, उससे आपके बालों की सफ़ेदी ख़त्म हो जाएगी। बेशक वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद आपके बाल बेजान लगने लगते हैं, रूखे हो जाते हैं और इसके साथ ही आपके बाल काफ़ी तेज़ी से झड़ने लगते हैं और साथ ही साथ ये और भी ज़्यादा सफ़ेद हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप हमारी रेमेडीज़ को ट्राई करें और आपको इससे बहुत ही जल्दी फ़ायदा होगा और आपके बाल तुरंत ही काले होना नज़र आने लगेंगे। टिप नंबर 1, ब्लैक कॉफ़ी। आपको ब्लैक कॉफ़ी को अपने पूरे बालों में अच्छी तरह से लगाना होगा लगभग आधे घंटे के लिए। इसके बाद आपको शैम्पू कर लेना होगा और आपको अपने बाल काफ़ी अच्छे तरीके से साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर कॉफ़ी रह जाएगी तो वो आपके बालों को ख़राब करेगी। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपके बाल अच्छी तरह से साफ़ हो जाएं। इससे आपके बाल नेचुरल तरीके से काले होने लगेंगे और आपको सफ़ेद बालों से छुटकारा मिल जाएगा। टिप नंबर 2, चाय की पत्ती। चाय की पत्ती सफ़ेद बालों को काला करने के लिए काफ़ी मददगार साबित होती है। चाय की पत्ती से सफ़ेद बाल काले करने के लिए चाय की पत्ती को अच्छी तरह से पानी में उबाल लें और फिर इस पानी से अपने बालों को धो लें। ये भले ही अपना काम धीरे धीरे करती है, लेकिन ये तरीका पूरी तरह से नेचुरल है और ये आपके सर में मौजूद एक एक सफ़ेद बाल को नेचुरली रूप से काला कर देती है और इनमें एक अलग ही तरह की चमक पैदा करती है, जिससे आपके बाल काले होने के साथ साथ और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगेंगे। टिप नंबर 3, प्याज का रस। प्याज के रस में सल्फर होता है जो हमारे बालों को काला करने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। इसके लिए आपको 2-3 प्याज को अच्छी तरह से पीस लेना होगा और इसको स्ट्रेन करके उसका जूस निकाल लेना होगा। इसके बाद इसको आपको अपने बालों में लगाना होगा। लगभग 45 मिनट तक लगाने के बाद आप इसे शैम्पू कर लें। इससे आपके बाल ना ही सिर्फ काले होंगे बल्कि चमकदार होंगे, लंबे होंगे और घने भी होंगे। टिप नंबर 4, करी पत्ता। करी पत्ता हमारी सेहत के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता ही है। इसके अलावा ये ब्यूटी बेनिफिट्स भी बहुत सारे देता है हमको। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको करी पत्तों में नारियल का तेल मिला लेना होगा और फिर इस तेल से अपने बालों में अच्छी तरह से मसाज करना होगा और इसे रात भर बालों में ही लगा करके छोड़ देना होगा। अगले दिन सुबह उठकर आपको अपने बालों को धो लेना होगा। इससे आपके बाल बहुत जल्दी काले हो जाएंगे। टिप नंबर 5, कलौंजी का तेल। कलौंजी का तेल, जैसे हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है हमारे हेल्थ बेनिफिट्स के लिए भी और हमारी ब्यूटी बेनिफिट्स के लिए भी। इसके साथ ही आप चाहे तो कलौंजी को अलग तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये करना होगा कि लगभग 1 लीटर पानी में आपको 50 ग्राम कलौंजी को अच्छी तरह से उबाल लेना होगा और इस उबले हुए पानी को ठंडा करने के बाद इस पानी से आपको बाल धोना होगा। लगभग हर दूसरे दिन ऐसा करने से 1 महीने के अंदर ही आपके बाल काले, घने और लंबे हो जाएंगे। तो आप इन रेमेडीज़ को ज़रूर ट्राई करें अगर आप चाहते हैं कि आपके सफ़ेद होते हुए बाल काले हो जाए। और आपको सबसे बड़ी बात, इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ना ही आपका कोई ख़ास पैसा खर्च होना है, क्योंकि ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे घर पर इजीली मौजूद होते हैं। तो आप इनको ट्राई करें और इसके रिजल्ट्स कैसे आए हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब हम बात करते हैं अपने गिव अवे की। जैसे कि हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि ये हेयर स्ट्रेटनर आपका हो सकता है अगर आप हमारे बन जाते हैं लकी सब्सक्राइबर। तो अगर आप इस गिव अवे को लेने में इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें #IlashTheFamilyDoctor। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और हमें कॉमेंट करके इसके रिजल्ट ज़रूर बताइएगा।